हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक रात में लड़कों का कितनी बार पानी निकल सकता है, मतलब एक लड़का एक रात में कितनी बार संभोग कर सकता है। गाइस, बेसिकली होता क्या है कि जब लड़का और लड़की संभोग करते हैं और लड़के का एजुकुलेशन हो जाता है तो उसके अंग में ढीलापन आ जाता है और संभोग क्रिया फिनिश हो जाती है। लड़के को दोबारा से संभोग की क्रिया के लिए तैयार होने में, या ये कहें उसके अंग में प्रॉपर तनाव आने में, 1 घंटा 10 मिनट से लेकर 1 घंटे तक का समय भी लग सकता है, बशर्ते कि उसने किसी तरह की कोई दवाई ना ले रखी। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कोई लड़का हेल्थी है और उसने किसी तरीके का कोई मेडिकेशन नहीं लिया हुआ है तो एक रात में उसका वीर्य कितनी बार निकल। सबसे पहले हम जानेंगे कि वीर्य कहाँ बनता है, कहाँ स्टोर होता है और उसको दोबारा से प्रोड्यूस होने में कितना टाइम लगता है। गाइस, वीर्य का जो प्रोडक्शन होता है वो मेल ग्लैंड्स करती है, जिनको टेस्टिस कहा जाता है। टेस्टिस वीर्य का प्रोडक्शन करती है और फिर ये स्टोर होता है कॉडा एपिडिडाइमिस में। कॉडा एपिडिडाइमिस एक इजेकुलेटरी डक्ट होती है जो बॉल्स और एनस के बीच में लोकेटेड होती है। जैसे ही ब्रेन इजेकुलेशन के सिग्नल्स भेजता है, वैसे ही कॉडा एपिडिडाइमिस वीर्य को पीनिस में पुश करती है और वीर्य बाहर निकल जाता है। और गाइस, ये एक्शन पूरी तरह से इनवॉलेंट्री होती है और इस पर लड़के का पूरी तरह से कोई कंट्रोल नहीं होता है। मतलब एक बार ब्रेन ने सिग्नल भेज दिए तो वीरे को निकलना ही है। चाहे कोई लड़का अपने पेनिस पर आगे हाथ भी क्यों ना लगा रहे, तब भी उसका वीरे निकलेगा ही। उसके ना चाहते हुए भी वीरे अपने आप ही निकल जाता है। तो गाइस, हमने जाना कि वीरे कहाँ बनता है, कहाँ स्टोर होता है और कैसे बाहर निकलता है। तो अब बात आती है, जैसे कि हमारा जो टॉपिक है कि एक रात में एक लड़का कितनी बार इजुकुलेट हो सकता है, अब एपिडिडाइमिस जो है वो खाली हो गई तो उसको दोबारा भरने में कितना टाइम लगेगा, ये हम जानते हैं। सो गाइस, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इजेकुलेटरी डक्ट कोडा एपिडिडाइमिस एक बार में पूरी तरह से खाली नहीं होती है। वो एक स्पेसिफिक अमाउंट ही एक बार के इजेकुलेशन के लिए डिस्पैच करती है। लेकिन यहाँ पर एक बात आ जाती है कि बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल इजेकुलेशन के फौरन बाद ही गिर जाता है। लेकिन गाइस, एक बात ये भी है कि बॉडी में इजेकुलेशन के फौरन बाद टेस्टोस्टेरोन का लेवल गिर जाता है और लिंग बिल्कुल ढीला हो जाता है। अब जो मेल हार्मोन है यानी टेस्टोस्टेरोन जो है, उसको दोबारा से बनने में, दोबारा से ब्लड में उसका लेवल बूस्ट होने में 10 मिनट से 1 घंटे तक का समय लग सकता है। और यही वजह है कि लड़के को दोबारा से संभोग के लिए तैयार होने में इतना समय लग जाता है। तो गाइस, दूसरी बात ये भी है कि जब पहला एजुकुलेशन होता है तो कॉडा एपिडिडाइमिस का स्टॉक थोड़ा कम होता है, फिर जब दूसरा एजुकुलेशन होता है तो कॉडा एपिडिडाइमिस का स्टॉक थोड़ा और कम होता है, लेकिन जब तीसरा एजुकुलेशन होता है तो ऑलमोस्ट कॉडा एपिडिडाइमिस का जो स्टॉक होता है वो नील हो चुका होता है, यानी पूरी तरह से ख़त्म ही मान लो आप उसको। फिर लड़के को काफ़ी टाइम लग जाता है। गाइस, एक बात ये भी है कि सेकेंड इजेकुलेशन के बाद टेस्टोस्टेरोन का लेवल बिल्डअप होने में और ज़्यादा समय लगता है, यानी इजेकुलेशन पर इजेकुलेशन टेस्टोस्टेरोन के लेवल को अप होने में ज़्यादा समय लगने लगता है। तो गाइस, एक रात में एक हेल्थी एडल्ट 3 बार इजेकुलेट हो सकता है, लेकिन ये नंबर वेरी भी करता है। कोई लड़का एक रात में सिर्फ एक बार ही इजेकुलेट हो सकता है तो कोई लड़का अप टू 5 टाइम भी इजेकुलेट हो सकता है। यही नहीं, ये नंबर एक ही लड़के में अलग अलग समय पर अलग अलग हो सकता है। जब रिलेशनशिप नया नया होता है तो पार्टनर के साथ लड़का ज़्यादा बार इजेकुलेट हो सकता है, और जब रिलेशनशिप पुरानी हो जाती है तो उसकी फ्रिक्वेंसी धीरे धीरे घट जाती है। तो गाइज, आई होप आपने टॉपिक को अच्छी तरह समझ लिया होगा और मैं टॉपिक को अच्छी तरह एक्सप्लेन करने में कामयाब हो पाई होंगी। गाइज, लास्ट में मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे पास मिलन का समय बढ़ाने वाले कंडोम्स अवेलेबल हैं, जिनको आप अपने लिंक पर चढ़ाकर 1 घंटा या उससे ज़्यादा लंबे समय तक भी मिलन कर सकते हैं। अगर आपको इनके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप वीडियो में दिए गए नंबर पर बात कर सकते हैं। गाइस, फिर से मिलूंगी एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।